लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा प्रस्तावित हुआ है। दरअसल पीएम मोदी 21 जून को श्रीनगर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका आयोजन श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया जाएगा। हमारे सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि 21 जून के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में SKICC में उनका एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहेंगे। उनके साथ योग करने वाले समुदाय के भिन्न भिन्न लोगों समाज के भिन्न भिन्न समुदायों से आए हुए लोग। उसके अतिरिक्त कल हम बैठ कर के ये चर्चा कर रहे थे, तो एक ये भी योजना है कि जम्मू कश्मीर के 20 के 20 जिलों को वर्चुअली जोड़ दिया जाए, और यदि हर ज़िले से भी 2-2 हज़ार लोग जुड़ते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाने वाला योग का कार्यक्रम श्रीनगर में जो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 50 हज़ार लोगों की संख्या जुड़ जाएगी, और इसका एक प्रदेशव्यापी प्रभाव रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों शोरों में है। ऐसे में पीएम मोदी का यह जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी का यह दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है।